नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों, यूजीसी नेट योग प्रश्न पत्र 3 जनवरी 2017 भाग 8 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं कौन सा प्रश्न है। वह ये है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए अंतर सरकारी समिति 11वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन हमारे सामने है, इटली में दिया, इथोपिया है, भारत है, एस्टोनिया है। तो इसमें सही उत्तर 11वां जो सत्र हुआ था वो इथोपिया में हुआ, ये ध्यान रखना है। और अगला प्रश्न है कि योग के संबंध ज्ञान एवं कौशल के मुख्य अभिरक्षक कौन है, यानी योग जो क्षेत्र है उसके संबंध में हम देखें तो वो ज्ञान की दृष्टि से या कौशल के मुख्य अभिरक्षक के यानी उसका गार्जियन के रूप में कौन इनमें से हैं, इन चारों में से देखें तो सामान्य व्यक्ति है क्या, नहीं। आयुष मंत्रालय है क्या, नहीं है। राज्य सरकारें इस पर हैं, नहीं है। योग गुरु जो हैं इसके अभिरक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं ज्ञान और कौशल की दृष्टि से, तो मुख्य इनका ऑप्शन 4 रहेगा। आप देखते हैं जब से योग दिवस 2015 से मनाया जा रहा है तब से निरंतर योग के जो शिक्षक हैं, योग के गुरु हैं, इसका प्रचार प्रसार करते आ रहे हैं। उससे पहले भी कितने समय से ये करते आ ही रहे हैं और ये स्वयं उनको रोजगार की दृष्टि से भी नहीं है, वो काम कर रहे हैं समाज को उत्थान की दृष्टि, स्वास्थ्य की दृष्टि से, ध्यान रखना है। ये दायित्व जो है किसी आयुष विशेष कोई संस्था का नहीं है, सामान्य व्यक्ति का नहीं है। तो जो अपने आप को योग गुरु यानी को समर्पण है जिसका पूरा जीवन, तो वो उसमें सेवा करता है। तो इसी तरह से आपका ऑप्शन जो 4 है ये बिल्कुल सही है इसमें। अगला जो प्रश्न है वह ये है कि किसने प्राचीन भारत में विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य एवं औषधि या शिक्षा और कला को प्रभावित किया है। इनमें से प्राचीन जितने भी हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनमें बातें हो रही हैं, ये उनमें से ऐसा कौन सा पहलू है जो इन सब को, स्वास्थ्य और औषधि को भी या शिक्षा और कला को प्रभावित करने वाला है। वह आयुर्वेद जो है वो शिक्षा को देखें तो वो है इसमें कि नहीं है, है औषधि के और स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल सही है। और शिक्षा कला यहाँ जो आता है कला में ये नहीं है, और कला का अर्थ होता है कि आपका जो जीवन शैली है, आपका जीवन में व्यवहार में है, आपका कला है, यानी एक जैसे हम अभ्यास करके एक मुद्रा के द्वारा भी एक कला प्रदर्शन जो हम करते हैं तो वो है एक सामुदायिक केंद्र के रूप में है, विश्वविद्यालय के रूप में है। ये सब सामुदायिक केंद्र, औषधि स्वास्थ्य ये सब नहीं है। इनमें योग दर्शन जो है ये इसका सही आंसर है कि ये स्वास्थ्य और औषधि के रूप में भी कार्य, इसको विकल्प की चिकित्सा के रूप में योग को लिया जा रहा है, और शिक्षा के अब एजुकेशन में भी इसका पठन पाठन हो गया है, और कला में भी इसका प्रभाव आप देखते हैं। तो इस तरह से ये सब आप ध्यान रखिए। अगला जो प्रश्न है आज का वह ये है कि यूएन निकाय, यूएनए जो है आपको मैंने पहले बताया था, यूनाइटेड नेशन, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रशस्ति पत्र के अनुसार योग विद्यार्थियों जो योग सॉरी विद्यार्थी ने योग विधियां जो हैं व्यक्तियों की किस रूप में सहायता करने के लिए अभी कल्पित की गई हैं, योग की जितनी भी विधियां हैं वो किस तरह से सहायता कर सकती हैं वो बताना है। आत्म अनुशासित, आत्म अनुभूति लाने के लिए है क्या, आत्म यानी सेल्फ एक रियलाइज कराना, ये बिल्कुल सही है। आत्मानुभूति लाने के लिए हम योग की जो विधियाँ यानी अष्टांग योग का, इसके स्टेप टू स्टेप हम जाते हैं तो एक अपने अंतिम में समाधि को पहुंचाता है, बिल्कुल सही है। मोक्ष की अवस्था के लिए है क्या, बिल्कुल सही है। सांसारिक सुखों का आनंद लेने के लिए हम योग करते हैं क्या, एक दृष्टि से हो सकता है पर ये इसका सही मायने में इसका अर्थ नहीं है, ये गलत उत्तर है इसका। और जैसे हम इसको योग को योग की दृष्टि से देखेंगे तो नहीं है, वो एक मोक्ष और आत्म उत्थान के लिए, और त्रिविध जो हमारे अगला जो ऑप्शन है, सभी प्रकार के दुखों पर विजय, यानी आपका आध्यात्मिक दुख है चाहे आपका भौतिक दुख है चाहे आपका
मानसिक दुख है जो है ना, तो दैविक दुख, इन तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्ति के लिए हम योग करते हैं और सांसारिक सुखों के आनंद के लिए नहीं करते हैं। यदि हम ऐसा होता तो योग को योग न मान करके फिर इसको हम कसरत के रूप में या फिर एक्सरसाइज को लिया जाता है, तो वो ऐसा भी आज कर रहे हैं, देखते हैं इसको एक कसरत का रूप बन गया है ये सुबह उनको, बाकियों की कोई पर योग का वो प्रभाव है जिससे वो आगे धीरे धीरे इनकी ओर अभिमुख हो जाता है, धीरे धीरे इनकी ओर प्रेरित बढ़ता है। तो ये आज के जितने प्रश्न मेरे पढ़े ये कंप्लीट हुआ। 75वां जो प्रश्न था वो इसमें सीरीज़ में कोई एक मिस्टेक था जिसका इसमें हमने लिया नहीं है। तो आपका जो NTA UGC योगा नेट जनवरी 2017 की ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज़ जो चल रही है वो आज समाप्त हो गई है, और अगली वीडियो जो नवंबर 2017 की आएगी, जो आने वाली अगली वीडियो है 17 की आएगी, और इन सभी वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, आपको निश्चित रूप से योग की सभी परीक्षाओं में लाभ मिलेगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे एक प्रश्न आपका और बचा हुआ है इसमें, देखिए तब तक वात सार शब्द, ये देखिए वात सार शब्द जो है, ये वात सार, ये इसका अर्थ क्या है, ये एक आप देखिए, इसका अर्थ वात का अर्थ होता है वायु, सार का अर्थ होता है कि तत्व, सार को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो 3 है ये बिल्कुल सही है, जो वायु का तत्व है, वायु का जो सार है वह है, बाकी के ऑप्शन इसमें नहीं है, तत्व के लिए सार का प्रयोग किया गया है। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अगली वीडियो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।